मेरी भाई गाड़ी पूरी बोतल भी डाल दो ना तब भी पता नहीं चलेगा तेल गया कहाँ पे। मुझे नहीं पता यहाँ स्वेलिंग आ गई है, नस खिंच गई है। हम अब हम अपने मामा के घर से अपने घर जा रहे हैं। ओ भाई साहब ये क्या एवरेज दे रही है 16.2। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका ऑल इंडिया टूर के डे 18 पे। अभी हमें दिल्ली में और हम सोच रहे हैं कि 18th को हम निकलेंगे गंगानगर पापा के साथ। आप बताओ गाइस हम कहाँ जाएं, पंजाब जाएं या फिर यूपी जाएं? इन दोनों में से आपको क्या बेटर लगता है कमेंट करके बता दो, हम वहाँ चले जाएंगे। क्या बोल रहे हो? क्या कुछ बोल रहे थे? क्या कुछ तो समझा रहे थे कि क्या नहीं डालना क्या डालना है। भाई मम्मी सब समझा रही है कि ये चीज डालनी है ये चीज नहीं डालनी। और गुड मॉर्निंग तो बोल दो लोगों को। हालत नहीं है भाई, कपड़े इतने हो गए हैं, एक तो सूख नहीं रहे, ठंड इतनी हो गई सूख ही नहीं रहे। नानी कसरतें करती हुई। रुको मैं ले जा रहा हूँ, इधर 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 पीछे पीछे। काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ। सही बात है, बॉडी एक्टिव रहती है तभी, है ना। और गाइस राजस्थान में ना पानी हमें सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी और बाल हो गए बहुत ज्यादा रफ। तो अभी पहले करेंगे हम ऑयलिंग करेंगी नानी। ये हम लगाएंगे खादी नेचुरल भृंगराज, स्पॉन्सर्ड बाय भृंगराज। और नानी देखे आपने फिर ब्लॉग्स देखे सारे राजस्थान के? तो सारे देखे, मेरा बस चलता तो मैं तो दो दो बार देख लेती थी। देखे भी हैं। हाँ। मैं शायद व्यू ही आ रहे पर आती नहीं, एक बार ही पड़ेगी वो एक ही काउंट होता है एक व्यू ना। तो जितना मर्जी तेल डाल लो। हाँ। मेरे बालों में पता ही नहीं चलता है, सही बात है। इतने रफ है। हाँ। पूरी बोतल भी डाल दो ना तब भी पता नहीं चलेगा तेल गया कहाँ पे। हाँ। हाँ जी गाइस, आज का प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं GK1 क्योंकि ब्रदर ने ली है नई गाड़ी और आपने थंबनेल में देख लिया वो कौन सी। तो फटाफट चलते हैं। बाय बाय। ये देखो भाई सामने बैठ गया कि नहीं जाने नहीं दूंगा। लोंटू अट जा आई गलत मौज है। कप है पेपर। ओके क्रिकेट कितने बजे? 5 बजे। चल बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। बोल रही ब्लॉगर भैया आ गए हमारे। चलो भाई चलो, मैं चलूंगी, मैं रिडल मत खेलना भैया मेरे साथ। मैं तो आपकी एक रिडल नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। चल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा तेरे से। ये कितनी आंखें होती हैं? हां ये मैं कर दूंगी आंसर पहले बता। नींद पूरी नहीं हुई आई। ओ यार गलत मौज हो रही है, यहाँ सो रहे हो यार। गाड़ी बाहर खड़ी है, चलो भाई ड्राइव करें। चलो चलो। ये वही ना। ओ भाई कपड़े पहन गई भाई। भाई का स्टैमिना देख रहे हो, कितने बजे सोए रात? 4 बजे। और कितने बजे उठे हो? 8 बजे। ओ भाई साहब दम हो भाई, दम है। पार्टी करने गए थे। क्या पार्टी करने गए थे? क्लबों में एंट्री करानी हो तो बताना। चलो भाई डन है भाई, क्लब में एंट्री करने तो बताना भाई। देख रहे हो सोते भी सीधा क्लब के कपड़े पहन के है। ये रही भाई गाड़ी। भाई मगर जो भी बोलो दिल्ली में ठंड बहुत हो गई है भाई, हवा इतनी तेज चल रही है। अच्छा नहीं टोयोटा के टायर है भाई, कितने इंच के हैं? बहुत मोटे कर दिए ना, ब्रिजस्टोन के तो है मगर 265 भाई 65 इंच के हैं भाई, बहुत हट्टे कट्टे कर दिए टायर तो इन्होंने। फॉर्च्यूनर लो तो व्हाइट कलर में ही लो। चलो भाई अंदर से देखे क्या चेंज करा है इन्होंने। ओए होए होए भाई बैठते भारी फीलिंग आ गई मेरे को तो। और भाई एक बात तो बताई नहीं, ये डीजल नहीं है, ये पेट्रोल है। पेट्रोल है भाई। भाई कंफ्यूजन बहुत होती है क्योंकि पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना तो लोगों को लगता है डीजल डालना है, सब बोलते डीजल, जैसे बोलते नहीं पेट्रोल, कंफ्यूज हो जाते हैं सारे के सारे। भाई गलती से ना कोई बंदा करना था उल्टा सीधा, अगर डीजल लग गया ना इसमें भाई गाड़ी का इंजन हो गया सीज, गाड़ी खत्म, गाड़ी खत्म फिर। ओ भाई साहब ये क्या एवरेज दे रही है 16.2। भाई साहब क्या हो गया चमत्कार, पेट्रोल में भी कैसे कर दिया फॉर्च्यूनर ने। भाई लेटेस्ट मॉडल है, आओ मैं आपको इसके स्पेक्स बताता हूँ थोड़े बहुत। क्या चेंज कर दिया इसमें? इसके बटन चेंज हो गए हैं। अच्छा उसे, ये क्या? अच्छा सीट्स का है, सीट्स एडजस्ट करने के लिए। भाई टॉप मॉडल है वो उसका है हवा का। अच्छा ये वो है, ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं तो है ना, वेंटिलेटेड सीट्स कर दिया भाई, काफी बढ़िया कर दिया इस बार फॉर्च्यूनर ने तो। वरना पहले जो पुराने मॉडल्स होते थे बड़ा मतलब बाहर से तो अच्छी खासी होती थी मगर अंदर से कोई फीचर्स नहीं होते थे। क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है? हाँ स्टीयरिंग भी तो चेंज करा, शायद स्टीयरिंग वैसे ही चेंज करा है, वैसे ही सेम एकदम। ये पैनल चेंज कर लिया भाई, पैनल भी पूरा चेंज हो गया यार, कलर चेंज हो गया पूरा, क्रोम ऐड कर दिया ज्यादा इन्होंने, बढ़िया लग रहा है भाई। गाड़ी तो भारी लग रही है बैठते ही, अब थोड़ी फीलिंग आ रही है टोरो वाली। ओए होए टोर लगदी है टोर लगे झट नु। अबे ये भी चेंज कर दिया भाई, क्या बोलते हैं ना गोल गोल रेगुलेटर। भाई सीट का कलर भी चेंज कर दिया, पहले लैवेंडर टाइप था अब तो पूरा ब्लैक कर दिया, जेट ब्लैक एकदम।
अच्छा लग रहा है तो। भाई बेस्ट बात तो है गाड़ी में आवाज ही नहीं आ रही यार, मतलब सही में इतनी भारी, इतना कितना इंजन है 3000 ना शायद भाई, सब देख रहे हो इतना टॉप का इंजन है फिर भी आवाज नहीं आ रही गाड़ी में बिल्कुल। भाई टाइम आ गया अब गाड़ी का टॉर्क चेक करने को, चलो भाई। ओए 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 ओतरी ओतरी हेलो भाई, अब गाड़ी खड़ी कर देते हैं, गाड़ी को रेस्ट दो थोड़ा। ज्यादा चला ली, दो किलोमीटर चला के हमने बहुत चला ली। कैमरा क्वालिटी कितनी इंप्रूव कर दी इन्होंने, एकदम क्लियर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जीसी मॉब चल रहा है जीसी के। हाँ भाई ये पहले नहीं आता था फॉर्च्यूनर में, ये भी आ रहा है तू भाई, सेंसर से बढ़ा दिया ना मुझे लग रहा है। तो भाई चले, तो मेरा वैसे जनरली ये बंद नहीं होते क्या, लेकिन इसके बंद हो जाते हैं। अच्छा बंद नहीं होते, टॉप मॉडल में नहीं होते। स्टाइल भाई, टायर वगैरह बहुत बढ़िया दिए इन्होंने इस बार। भाई देखो ये नई वाली फॉर्च्यूनर है और वो है पुरानी वाली, आप डिफरेंस देख सकते हो आगे से, क्या लग रही है आगे नई वाली। तुझे पता है क्या, तू कह रहा है इस गाड़ी में बैठ के कि गाड़ी बड़ी भारी है, बड़ी भारी है, बड़ी भारी है। 2014 की फॉर्च्यूनर अगर बैठता ना तो फील आ जाएगी, फील भारी ट्रक लगेगी ट्रक। तो ये इन्होंने सारा पूरा सिस्टम खराब कर दिया टोटल, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, बॉडी कम करे जा रहे हैं, गाड़ी हल्की पैसे और पैसे भारी। तो तू सबसे पूछता रहता है क्वेश्चन, स्पेशली बुआ से, है ना। तो मैं तुझसे पूछता हूँ एक आज, मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस बार। लेकिन 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 शर्त एक है, आंसर सिर्फ 5 सेकंड में कर, वरना क्वेश्चन इनवैलिड है। तो क्वेश्चन ये है, तू गया डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर ने देखो मेडिसिन दी 3 और बोला हर आधे घंटे में एक मेडिसिन खानी है, ठीक है, हर आधे घंटे में, ठीक है। उन्हें मेडिसिन कितनी देर में खत्म कर, 1 सेकंड में आ गया, 1 सेकंड में खा लिया, तीनों खा लिया एक बार में, हर आधे घंटे में एक मेडिसिन खानी है, कितनी देर हो गई, 1 घंटे में। क्योंकि एक अभी खाओगे फिर आधे घंटे बाद फिर आधे घंटे बाद, लोग बोलेंगे 1.5 घंटा, उनमें दिमाग कम है, जिनमें दिमाग कम है 1.5 घंटा बोलेंगे। कोहली की तरह, कोहली रोज सुबह उठ के बादाम खाता है, आप भी खाओ। चलो भाई लंच कर लेते हैं, क्या है सुनू आज खाने में, आज है कड़ी, कड़ी और क्या है, ये क्या है, चावल, हाँ कड़ी चावल, आलू, आलू मेथी भी है, दाल भी है, दाल भी है, सब है मेन्यू में। तो हमारे पास है गाजर मटर, गाजर मटर, ये क्या है, और ये है हमारी स्पाइसी मटर, भूल गए, मशरूम मटर, मशरूम है ना तुझे, ये है हमारी मिक्स वेज, इसे मिक्स वेज है, स्पाइसी मिक्स वेज। भाई हमने तो ले लिया आलू मेथी कड़ी चावल कड़ी रोटी, वाह मजा। ओए होए डेली व्लॉगर रिजिता शर्मा, गाइस वैसे तो सबको बहुत ठंड लग रही है, मुझे नहीं लग रही। अबे हां तो ठंड कैसे नहीं लग रही भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं, अबे ये कैसे ठंड लग रही है भाई, यहां पे जैकेट पहन रखी है मोटी मोटी सबने और तूने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ठीक है भाई, हद हो गई, कमाल हो गई। ओए कड़ी में घी डल गया, मम्मी डलवा लेते हैं कड़ी में घी, बस 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 अब मजा आएगा। वैसे कड़ी के अंदर अगर घी ना हो तो मजा नहीं आएगा। चाचू तो कड़ी के साथ पता क्या खा रहे थे, चाचू दिखाओ क्या खा रहे, मीठा खिला दो जितना मर्जी, कड़ी के साथ मीठा। पहले इन्होंने मिठाई खा ली, अब ये क्या तो खसखस का हलवा खाएंगे या फिर गाजर का हलवा खाएंगे। एंड गाइस जिसने खसखस का हलवा नहीं खाया हो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर रेसिपी चाहिए तो वो भी बताएं, हम अगली बार रेसिपी डालेंगे। सही बात है। तो भाई खाना हो गया खत्म, अब हम खाएंगे गाजर का हलवा। ओए होए नहीं भाई, अगर ठंड हो और ठंड में गाजर का हलवा ना हो तो फिर वो ठंड भी किसी नाम की है, किसी काम की। खाओ भाई खाओ मजेदार, गरम है भाई, पेट में जगह में ना हो मगर गाजर का हलवा के लिए और गुलाब जामुन के लिए पेट में जगह हमेशा होनी चाहिए, वरना तुम बेकार हो। क्या हो, मम्मी भी आ गई भाई, क्या हो गया आपके हाथ में, क्या हो, क्या हो, दिखाओ तो हाथ तो दिखा दो, हुआ क्या, कुछ नहीं बता, यहाँ सालिंग आ गई है, नस खिंच गई है कुछ। ये मेरे ख्याल से ट्रिप में हो गया होगा, है ट्रिप में हुआ, कहाँ पे हुआ, ट्रिप के बाद ज्यादा काम कर लिया, सही में ट्रिप के बाद ज्यादा काम कर लिया है, ज्यादा काम कर लिया, कपड़े धो लिए, सही है। अब भाई डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं मम्मी, ये भी जरूरी है। चलो भाई प्लान हमारा था क्रिकेट खेलने का, मगर हमने बोला क्रिकेट नहीं खेला, मगर क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हाथ दिखा लेते मम्मी का ना। चलो भाई चलो भाई, पहुंच गए इस डॉक्टर को हमने दिखा लिया और डॉक्टर ने बोला है हफ्ता रेस्ट करना है, सुन रहे हो, एक हफ्ता कुछ नहीं करना है, स्वेलिंग के लिए दवाई दी है इन्होंने, 3 दवाइयां दी हैं, मगर फिर भी मम्मी मानेंगे थोड़ी, रेस्ट मतलब रेस्ट होता है, मगर फिर भी ये हाथ से उठा लेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, अभी देखेंगे कितना हाथ यूज करो, जब आप जैसे ही हाथ यूज करोगे वैसे रिकॉर्ड करके पापा को भेज दूंगा मैं। तो हाँ भाई एक और रेडल आ गई क्या, एक और रेडल आ गई है, पूछो 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 भाई, रेडी है हम तो। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे देख नहीं, फ्यूचर भाई। एक सेकंड में बता दिया, अरे हमने सब देखे हुए गूगल पे। मैं तब से कर रहा हूँ, 16 दिन से गूगल ही तो कर रहा हूँ। हाँ क्या,
एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, एक और चीज दिखाता हूँ, दिखाओ, बढ़िया चीज है, मैं ऐसे यूज करता हूँ, इतना टाइम नहीं है कि फोन बोलो, अलार्म लगाओ, दिखा दो वो सब। हे श्री, सेट अलार्म फॉर 6:17 PM। घोड़ी सुन ले रही, ध्यान से सुन ले रही, सुन ले रही, बेइज्जती करा रही हमारी। अलार्म लग गया है भाई, देख रहे हो, आईफोन है तो भाई वॉच भी ले ही लो, मतलब है एप्पल वॉच भी ले ही लो, वॉच पहनने का अलग ही मजा है। सही बात है भाई, भाई बचपन में मैं वॉच पहन के सो जाता था, मगर इतनी आदत हट चुकी है वॉच की, वॉच पहनने ही बंद कर। लो भाई बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, सीधी काम कर गई, बच गया। चलो भाई, इसी बात पे बिदा लेने का टाइम आ गया, दोनों चल रहे हैं, बाय बाय, चलो चलो भाई, मिलते हैं जल्द कल व्लॉग में, पार्ट 2। चलो भाई सामान उठा लेते हैं, क्योंकि मम्मी तो उठा नहीं पाएंगी, अब उठ ही नहीं रहा इतना सारा। हम अब हम अपने मामा के घर से अपने घर जा रहे हैं। यूट्यूबर नानी, यूट्यूबर गाइस, आपकी ब्लेसिंग्स की हमको बहुत जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट व्लॉग में आप हमारी नीना को देखो तो देखो, उनको लग गई है, आप प्लीज उनको ब्लेसिंग जरूर देना। परसों मिलते हैं, परसों मिलते हैं, तो तुझे गर्मी लग क्यों रही है यहाँ पे? क्योंकि गाइस मैं बाहर गई हुई थी, और जब से मैं वापस आई हूँ तब से मुझे बहुत गर्मी। और वहाँ पे कितना टेम्परेचर था? वहाँ से मैं आई हूँ -2 से, -2 से, और यहाँ पे तो 8 degrees, तभी हाँ। तभी बट मैं बीच में -19 में भी रुकी थी हेलसिंकी, मगर ये तो आराम से घूम रहे हैं, जैकेट वैकेट पहन के। आई एम हॉट ना, सेफ्टी इज मस्ट। सही बात है, चलो भाई, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। अच्छा बेटा राइना, तो क्या हो रहा है, हाथ क्यों चल रहे हैं, हाथ मना करा ना चला ले। हाँ जी गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 6:55, तो अभी 1 घंटे में हम डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि आज करा तो ज्यादा कुछ नहीं, मगर फिर भी नींद आ रही है, क्योंकि पता नहीं थोड़ा पैटर्न हिल गया है, क्योंकि जब से राजस्थान से आया हूँ 2 दिन हो चुके हैं, थोड़ा स्लीप पैटर्न थोड़ा सा हिल सा गया है। तो गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ओके, टाटा बाय।